Let's see. Class 8 science, chapter 6 and lecture 3. In previous lecture we studied about ignition temperature. इसके पहले lecture में हमने ignition temperature की definition देखी थी और उसको समझा था कि what is ignition temperature. Now, today we related with ignition temperature with some example. Let's see. We find that a combustible substance. We find that क्या हमने पाया? A combustible substance catch fire. Combustible substance fire catch करता है, उसमें आग लगती है. और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मींस लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर. ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, ठीक है ना? लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर मतलब उस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से भी अगर उसका लो टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक आ जाता है उस ऑब्जेक्ट का या उससे भी लो में अगर टेम्परेचर आ जाता है तो उस सब्सटेंस में फायर कैच कर लेता है. तो इसका मतलब ये है कि हर सब्सटेंस का जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है सभी का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. किसी जैसे कि पेट्रोल है तो हल्का सा भी चिंगारी में पाएगा तो आग पकड़ लेगा, ठीक. तो इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, वेरी लो, ठीक है. और जैसे कि मान लीजिए वुड है या कोल है, ठीक है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है. क्यों? क्योंकि जो कोल है और लकड़ी वुड है उसको बहुत हल्के से एक चिंगारी से वो नहीं जल जाता है. वो बर्न कब करेगा? जब उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे. का मतलब ये है कि उस कोल को कोयले को और जो वुड है लकड़ी उसको जो है हीट करना पड़ेगा, है ना? कब तक हीट करना पड़ेगा? उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा. जो कोल है और वुड है तो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक जब हीट कर देंगे वहां तक जब हीट हो जाएगा तब उसमें फायर कैच करेगा. ये चीज मैंने समझाया, ठीक है. फिर इसी तरह डीजल पेट्रोल तो आपने देखा एक चिंगारी से हो जाएगा कैच फायर हो जाएगा. उसके बाद किरोसिन ऑयल को एक चिंगारी से नहीं होगा, थोड़ा सा उसको एक लॉग देना पड़ेगा. मतलब थोड़ा सा उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है एट कंपैरिजन टू पेट्रोल डीजल, ठीक है. और लकड़ी का सबसे ज्यादा है इग्निशन टेम्परेचर, ये चीज बताया जाता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. कुकिंग ऑयल फायर कैच कर लेता है व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग. जब फ्राइंग पैन को हम बहुत देर तक स्टोव पे गर्म करते रहते हैं, देर तक गर्म करते, बिकॉज क्यों? द टेम्परेचर ऑफ कुकिंग ऑयल रीच टू द इग्निशन टेम्परेचर. क्योंकि जो कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर है वो इतना गर्म हो जाता है कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है ऑयल का टेम्परेचर, ठीक है ना. और कुकिंग ऑयल का जब टेम्परेचर इतना गर्म हो जाएगा कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो फिर उसमें कैच फायर हो जाएगा, आग लग जाएगी, ठीक है. तो इससे ये पता चलता है. एक एग्जांपल और आगे देखिए. किरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर. किरोसिन ऑयल और वुड डू नॉट कैच फायर, फायर कैच नहीं करते हैं किसपे? ऑन रूम टेम्परेचर पे, है ना. बट इफ किरोसिन ऑयल अगर किरोसिन ऑयल हीट लिटिल हल्का सा हीट करते हैं तो कैच फायर, तो उसमें फायर क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक
उसका टेम्परेचर आ जाता है। बट इफ वुड इज हीटेड लिटिल, लेकिन वुड को जब हम गर्म करते हैं तो स्टील नॉट कैच फायर। गर्म करने से लकड़ी जलेगा, लकड़ी को जलाना पड़ेगा, है ना, उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो फिर फायर कैच करता है। तो इसका मतलब हुआ वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर ऑफ किरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। इसका मतलब यह है कि किरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लोअर है, कम है, किससे, फ्रॉम द वुड, लकड़ी से। इट मीन्स वी नीड टू टेक स्पेशल केयर। इसका मतलब यह है कि हमको स्पेशल केयर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए स्टोरिंग किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल को स्टोर करने में, रखने में, कि वहां पे कहीं कोई चिंगारी ना गिर जाए या कोई वहां पे हीट ना ऐसा हो जाए जिससे कि आप पकड़। द सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा सब्सटेंस जिसका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है एंड कैन इजिली कैच फायर, जो कि इजिली फायर कैच कर लेता है इन द फ्लेम, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उसको हम क्या करते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एल्कोहल, किरोसिन, ये सभी क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। व्हाई, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो, बहुत ही लो, हल्का सा भी हीट और स्पार्कल चिंगारी पहुंचेगी तो इसमें क्या होगा, कैच फायर, आग पकड़ लो, ठीक है ना। ये आपका डेफिनेशन है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का, ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड इन माई सिंपल लैंग्वेज, सो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।